हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बानिक स्मार्ट क्लास विद अ न्यू सेशन। मैं हूं आपका ज्योति। मैं आज यहां पे लेके आया हूं क्लॉक का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्या है वो कंसेप्ट देख लीजिए। वो तो कंसेप्ट है फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू हैंड्स, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं फाइंड आउट द एंगल। तो फाइंड आउट एंगल मतलब हम लोग क्लॉक में एंगल कहां से फाइंड आउट करते हैं या कैसे फाइंड आउट होता है। डेफिनेटली दो हैंड के बीच में होता है। एक क्या होता है, एक मिनट हैंड होता है या एक आवर हैंड होता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं मिनट हैंड सेकंड हैंड के बीच में भी हम लोग निकाल सकते हैं, आवर हैंड और सेकंड हैंड के बीच में भी हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग देखें ऑलवेज जो पूछता है आवर हैंड और मिनट हैंड के ऊपर। क्लियर। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों के पास दो मेथड भी आप लोग बोल सकते हैं। क्या क्या है मेथड देख लीजिए। तो पहला वाला जो मेथड है यहाँ पे फॉर्मूला वाला यूज होता है। द सेकंड वाला जो शॉर्टकट, या आप इसको बोल सकते हैं टेबुलर मेथड। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, तो इसमें हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है। इसमें क्या होता है, बहुत ही कम टाइम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये हम लोग सिखाएंगे यहाँ पे। तो इसलिए ये फॉर्मूला मेथड में हम लोगों को नहीं जाना है, तो यहाँ पे चलना है टेबल मेथड में। तो ये टेबल मेथड क्या है ये पहले हमको समझना पड़ेगा, देन हम लोग क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी या इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले टेबल को डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए यहाँ पे पॉइंट टू बी रिमेम्बर करके लिखा हुआ है। एक तीन टेबल है हम लोग के पास, एक आवर हैंड का टेबल है, एक मिनट हैंड का टेबल है, एक सेकेंड हैंड का टेबल है। तो देखिए यहाँ पे आवर हैंड के नीचे लिखा है 12 घंटा बा 12 आवर्स इक्वल टू 360 डिग्री है। ये एग्जैक्टली क्या है, 360 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है पूरा क्लॉक को कवर करने के लिए, पूरा क्लॉक कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, उसको कवर करने के लिए आवर हैंड को कितना टाइम लगता है, 12 आवर्स लगता है। तो साइमल्टेनियसली तो एक घंटे में वो कितना डिग्री कवर करता है, 30 डिग्री। इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक आवर में आवर हैंड 30 डिग्री कवर करता है। तो सेम एक मिनट में कितना कवर करेगा, एक मिनट में कवर करेगा वो 30/60 डिग्री, या आप लोग ऐसे बोल सकते हैं हाफ डिग्री। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो जो बॉक्स में कर रहा हूं वो बॉक्स आगे चल के हमको यूज होगा टेबल मेथड में, या जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब यूज होगा। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब चलिए मिनट हैंड, मिनट हैंड लिखा गया है देखिए 1 आवर इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब पूरा क्लॉक को कवर करने के लिए मिनट हैंड को एक आवर लगता है। तो वो देखिए तो 60 मिनट्स में भी वो सेम ही जाएगा 360 डिग्री, तो 1 मिनट में हो जाएगा 6 डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, 1 मिनट में 6 डिग्री जाएगा। तो 60 सेकंड में भी हो जाएगा 6 डिग्री, तो एक सेकंड में वो कितना कवर करता है, 1/60, या आप लोग बोल सकते हैं 1/10 डिग्री भी वो कवर कर गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलिए सेकंड हैंड में, सेकंड हैंड क्या करता है, एक मिनट में पूरा क्लॉक को कवर कर लेता है। तो इसलिए 1 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री लिखा गया है। तो 60 सेकंड में भी 360 डिग्री, तो एक सेकंड में वो कितना कवर करता है, 6 डिग्री कवर करता है। तो जो मैंने बॉक्स बनाया वो चीज को आपको याद करना है कि एक घंटे में 1 आवर 30 डिग्री कवर करता है या एंगल क्रिएट करता है, एक मिनट में हाफ डिग्री क्रिएट करता है, तो मिनट एंड एक घंटे में कितना करता है, 6 मिनट करता है, एक सेकंड में वो कितना करता है, एक सेकंड में वो कितना करता है, 1/10 बोल सकते हैं या 6/60 भी आप बोल सकते हैं। तो सेकंड हैंड क्या करता है, एक सेकंड में 6 डिग्री ही कवर करता है। तो ये अगर आपको याद आ गया या याद रह गया, देन आप लोग इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, इसका यूज कैसे करते हैं क्वेश्चन में मैं दिखा देता हूं, एक दो एग्जांपल आपके सामने मैं लेके आऊंगा, कितना जल्दी सॉल्व होगा ये आप देखिए। तो चलिए चलते हैं एग्जांपल पे। तो पहला एग्जांपल आपको आ गया, देखिए कि कितना आ गया कि 730 में कितना एंगल है वो लोग क्रिएट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आया 730 मेरा, आया 730 में देखिए यहाँ पे जो है ये मेरा कौन सा वाला पार्ट है, ये मेरा आवर वाला पार्ट है, ये मेरा कौन सा वाला पार्ट है, ये मिनट वाला पार्ट है। क्लियर, हम लोगों को पता है कि एक आवर में वो 30 डिग्री क्रिएट करता है, तो 7 आवर में कितना क्रिएट करेगा, तो 7 आवर में कितना क्रिएट करेगा, देखिए 7 आवर में कितना क्रिएट करेगा, 210 क्रिएट करेगा। क्लियर, अब देखिए हम लोगों को पता है मिनट साइड में एक मिनट में वो कितना कवर करता है, 6 डिग्री कवर करता है, तो 30 मिनट में कितना कवर करेगा, 180 कवर करेगा। तो ये 180 और ये 210 आपको समझ में आ गया, ये जो 15 है बस इसी के में हम लोगों को समझना बाकी है। देखिए मैंने क्या बोला था, किसके किसके बीच में निकलेगा, आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल निकलेगा, लेकिन कितना टाइम हुआ है, 730, मतलब हम लोग आवर निकाले हैं बा आवर हैंड 210 कवर किया, कितना, 7 आवर में, और मिनट हैंड कितना कवर किया, 30 मिनट में 180 डिग्री कवर किया है। लेकिन आवर हैंड 730 में कभी भी 7 के ऊपर रहता है क्या, नहीं, आगे जाता है, कितना आगे जाता है,
जितना मिनट हैंड कवर किया उतना ही आगे जाएगा। मिनट हैंड कितना कवर किया है, 30 मिनट कवर किया है, तो आवर हैंड भी कितना आगे जाएगा, 30 मिनट ही आगे जाएगा। तो एक मिनट में आवर हैंड कितना कवर करता है, हाफ डिग्री, तो 30 मिनट में कितना कवर करेगा, 15 डिग्री। क्लियर आ गया बात समझ में, ये 15 डिग्री कहां से आया, क्लियर। आप या ऐसे भी बोल सकते हो, इसके साथ 30 मल्टीप्लाई कीजिए और इसका हाफ ले लीजिए और इसके साथ 6 मल्टीप्लाई कीजिए, ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है, क्लियर। अब चलिए, अब आप सोचेंगे कि इसका एंगल कैसे निकालेंगे, इसका एंगल कुछ नहीं करना, बस दोनों का डिफरेंस निकालना है। दोनों का डिफरेंस निकल गया, एक का डिफरेंस निकल गया 45 और एक का डिफरेंस निकल गया 315। आपका दिमाग में आया होगा कि सर ये 45 क्या है और 315 क्या है। देखिए, ये जो एंगल जो क्रिएट होता है, ये इनर वाला जो है वो 45 है, ये जो आउटर वाला है वो 315 करके है। तो आपके ऑप्शन में मे बी 45 हो सकता है, मे बी 315 हो सकता है, उसी के हिसाब से आप चूज करेंगे। कभी दोनों कभी भी नहीं रहेगा। हाँ, दोनों कब आएगा, जब वो बोल देगा कि इनर एंगल एंगल फाइंड आउट कीजिए या आउटर एंगल फाइंड आउट कीजिए, तब ये दोनों ऑप्शन में रह सकते हैं। आप इनर के हिसाब से 45, आउटर के हिसाब से 315 लगा सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल एंगल पूछा है तो मे बी ये रहेगा, अदर ये रहेगा। आ गया समझ में, कितना टाइम लगा, मैक्स टू मैक्स 5 to 10 सेकेंड। चलिए दूसरा वाला एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। दूसरा वाला एग्जाम्पल देखिए कितना है, 545। तो 545 आ गया मेरा। देखिए मैंने क्या बोला था, सिर्फ नॉर्मल हम लोगों को क्या करना है, नॉर्मल हम लोगों को यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई करना है, 5 into 30 will be 150, इसका हाफ लेना है, कितना आएगा, 45 का हाफ कितना होगा, 22.5, और इसके साथ 6 मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, 270 करके आएगा। इन दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस, एक डिफरेंस आ गया मेरे पास 97.5, एक डिफरेंस आया मेरे पास 97.5, एक डिफरेंस आया मेरा 262.5। ये इनर वाला है, ये आउटर वाला है, अब ऑप्शन के हिसाब से आप लोग चूज कर सकते हैं, क्लियर। और एक एग्जांपल दिखा देता हूं, कितना जल्दी जल्दी देखिए सॉल्व हो रहा है, 3:51 है, आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो। यहाँ पे चलिए सेम आ गया मेरे पास, देखिए यहाँ पे भी आ गया। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 30 और इसका हाफ लेना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 6 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस आ गया, देखिए कितना, एक डिफरेंस आया हम लोगों के पास 190.5, एक आया 169.5। ये इनर वाला है, ये आउटर वाला है, अब उसी के हिसाब से आप ऑप्शन में जाएंगे, डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कौन सा गलत है, क्लियर। बात समझ में आया, कितना जल्दी देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा जो सेशन है अच्छा लगा होगा, पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा। कितना टाइम लग रहा है देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सिर्फ हम लोग को 2-3 चीज याद करना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्लियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।